हे दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर कुमार मनीष बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्यारे दोस्तों, एक नई नोटिफिकेशन लेकर आ चुका हूँ। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं कि कैसे आप लोगों को इंटरव्यू देने जाना है, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, क्या है क्वालिफिकेशन, ए टू जेड पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो 21/8/2020 की डेट रखी गई है। कार्यालय शहरी आजीविका केंद्र सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश की तरफ से जो है यह भर्ती अभी जो है यहाँ पे निकाली गई है, जिसमें यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन नंबर देख सकते हो, यह भर्ती जो है 2021 तक होने वाली है या इसे जो है बढ़ाया जा सकता है। संविदा पर जो है यह भर्ती होने वाली है, यहाँ पे देख सकते हो संविदा पर जो है यह भर्ती होने वाली है। पूरी जानकारी हम आपको दे दें तो यहाँ पे दोस्तों 27/8/2020 को जो है कलेक्ट्रेट सभागार सुल्तानपुर में सुबह 10 बजे से जो है आपका यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है। तो आप लोग जो है सारे डॉक्यूमेंट्स बायोडाटा के साथ जो है आप लोग 27/8/2020 को कलेक्ट्रेट सभागार सुल्तानपुर में सुबह 10 बजे से इंटरव्यू देने जा सकते हो। वहाँ पर जो है भर्ती आप लोग ले सकते हो। तो यहाँ पे जो है स्टाफ नर्स के लिए, प्यारे दोस्तों स्टाफ नर्स के लिए 32 वैकेंसी है। 32 वैकेंसी जो है स्टाफ नर्स के लिए रखी गई है, जिसमें 16,373 रुपये जो है आपको यहाँ पे संविदा पर सैलरी मिलने वाली है, जिसमें GNM वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ GNM वाले अप्लाई कर सकते हैं और UP स्टेट मेडिकल फैकल्टी से जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप लोग जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अधिकतम आयु जो है 40 वर्ष यहां पे रखी गई है। इसी तरह ECG टेक्नीशियन में 2 वैकेंसी है, 16,376 रुपये सैलरी मिलने वाली है। इसमें डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन वाले अप्लाई कर सकते हैं और यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी से जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उम्र जो है 40 वर्ष से अधिकतम होनी चाहिए। वार्ड आया के लिए 12 वैकेंसी और स्वीपर के लिए 12 वैकेंसी है और 8,374 रुपये जो है यहाँ पे आया के लिए रखी गई है और 7,313 रुपये स्वीपर के लिए यहाँ पे रखी गई है। इसमें कम से कम 8वीं पास हो तो अप्लाई कर सकते हो। तो वार्ड आया के लिए और स्वीपर के लिए अगर आप लोग 8वीं पास हो तो आप लोग जो है फॉर्म को अप्लाई कर दो। 2021 तक जो है यह भर्ती होने वाली है संविदा पर, ठीक है। नीचे यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो कैसे अप्लाई करना है। तो इच्छुक अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वह अपना बायोडाटा, 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो, समस्त शैक्षिक अर्हताओं के स्वप्रमाणित छाया प्रति मूल प्रति के साथ है, इंटरव्यू की तिथि को जो है उपस्थित हों। तो आप लोग जो है इंटरव्यू दे सकते हो। मैंने आपको बता दिया है यह नियुक्ति अस्थायी है, जो दिनांक 31 मार्च 2021 या शासन के अग्रिम दिशा निर्देश तक लिए मान होगा। इस नियुक्ति के आधार पर राज्य सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति पाने का दावा मान्य नहीं है। तो 31 मार्च 2021 तक या इसको बढ़ाया भी जा सकता है, यहां तक जो है संविदा पर आपकी भर्ती होने वाली है, जिसे ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन है 21/8/2020 को जारी की गई है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो यह है बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो आप लोग जाके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अभी जो है यह नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। और भी कोई जानकारी चाहते हो इससे रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।